सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं संगीता। कक्षा 4 में आज करेंगे हम पाठ 9। नाम है इसका सीखो। हम अपने आसपास से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, लेकिन प्रकृति भी, जो नेचर है, ये भी हमें कुछ ना कुछ अवश्य सिखाती है, कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाती है। तो हमारा जो ये पाठ है, ये कविता है, और इसमें भी हम पढ़ेंगे कि प्रकृति हमें किस किन के माध्यम से हमें क्या क्या सिखाती है। ठीक है, इससे पहले हमने अपनी ये कविता, मैंने बोला था बोल बोल कर और स्वर के साथ बोल बोल कर अच्छे से आपको पढ़नी है। ठीक है, तो देखते हैं कौन हमें क्या क्या सिखाता है। फूल हमें क्या सिखाते हैं? फूलों से नित हंसना सीखो, भोरों से नित गाना। फूलों से क्या सीखना चाहिए? रोज हंसना, नित होता है रोज हंसना सीखो, भोरों से नित गाना। और जैसे भंवरे रोज गाते हैं, ऐसे या भोरों से गाना सीखना चाहिए। तरु की झुकी डाली से, जैसे तरु यानी पेड़ की डाली झुकी हुई होती है, उससे हमें क्या सीखना चाहिए? नित सीखो शीश सिखाना। जैसे पेड़ की डाली झुकी हुई होती है, ऐसे ही हमें सिर को झुकाना सीखना चाहिए, बड़ों के सामने अपना शीश झुकाना सीखना चाहिए। सीख हवा के झोंके से लो कोमल भाव बहाना। और हवा के झोंके से क्या सीखना चाहिए? कोमल भाव बहाना। हमें जब हवा चलती है तो अच्छा लगता है ना, बहुत अच्छा लगता है, ऐसे ही हमने ऐसी भावनाएं, ऐसे होना चाहिए, कोमल भावना होना चाहिए। ठीक है, दूध और पानी से सीखो। दूध और पानी जब आप दोनों में मिक्स हो जाए, दोनों को अलग करना मुश्किल हो जाता है ना, तो हमें एक दूसरे के साथ ऐसे मिलना चाहिए कि कोई हमें अलग ना कर पाए। जैसे दूध और पानी दोनों इकट्ठा हो जाता, हम इनको एक अलग नहीं कर सकते जब दूध के अंदर पानी डाल देते हैं। तो उनसे क्या सीखना चाहिए? मिलना और मिलाना। क्या सीखना चाहिए? मिलना और मिलाना। सूरज की किरणों से सीखो। क्या सीखना चाहिए? सूरज की किरणों से जगना और जगाना। जब सूरज निकलता है तो जग जाते हैं ना, हाँ, जब सुबह सूरज की किरणें रोज निकलती है, सूरज निकलता है ना, और फिर हम कि दिन हो गया तब हम उठ जाते हैं। जैसे सूरज हमें जगाता है, ऐसे हमें जगना और जगाना सीखना चाहिए। लता और पेड़ों से सीखो। लता यानी कि जो बेल होती है, और पेड़ से हमें क्या सीखना चाहिए? सबको गले लगाना। बेल होती है बच्चों, पेड़ से लिपटी हुई होती है ना, उसी के सारे ऊपर चढ़ती है ना, आपने देखा होगा ना, जैसे पेड़ है ये, तो इसके आसपास में बेल होती है, जो लता होती है, तो उसे लिपट जाती है ना, और इसी के सारे वो ऊपर बढ़ती है। तो हमें भी सबको गले लगाना। जो पेड़ होते वो ये तो नहीं बोलते कि मैं सिर्फ फूल वाले ही बेल मेरे ऊपर, यानी कि मेरे से लिपटेगी, ऐसे तो नहीं होता ना। वो तो कोई भी बेल हो वो उस पर चढ़ जाती है। अब देखते हैं मछली क्या सिखाती है हमें। मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मर मरना। मछली का स्वदेश क्या? पानी। अगर वो पानी से बाहर निकालते हैं तो मछली तड़प तड़प कर मर जाती है ना, तो हमें भी क्या अपने देश के लिए मर मिटना सीखना चाहिए। ठीक है, जैसे मछली पानी से बाहर निकल जाए तो मर जाती है, ऐसे ही बच्चों हमें भी अपने देश के लिए, हमारे भी अंदर ऐसी भावना होनी चाहिए, सब होता अपना देश। ठीक है, पतझड़ के पेड़ों से सीखो। पतझड़ यानी कि जिसमें पेड़ों से पत्ते झड़ जाते हैं, पेड़ के ऊपर एक भी पत्ता नहीं रहता। दुख में धीरज धरना, यानी पेड़ों से जब पत्ते अलग हो जाते हैं तो पेड़ को दुख होता है ना, लेकिन फिर भी पेड़ नहीं रोता। क्यों? क्योंकि वो दुख होता है, दुख में भी धीरज धैर्य रखता है वो पेड़। तो ऐसे ही हमको भी दुख के समय अपना धीरज रखना चाहिए। ठीक है, पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। दुख के समय हमें धीरज रखना चाहिए। दीपक, अब देखो दीपक हमें क्या सिखा रहा है?
दीपक से सीखो जितना होश के अंधेरा हरना। यानी दीपक से क्या सीखना चाहिए, जितना भी उसके कोई किसी का दुख होता है वो कम करना चाहिए। दुख यानी कि जैसे अंधेरा किसका निशान होती है, परेशानी की, दुख का कारण होता है ना, दुख का वो होता है ना वो। तो दीपक से क्या सीखना चाहिए, उजाला हमें रोशनी देता है, दीपक हमें क्या देता है, उजाला देता है ना, ठीक है। तो हमें दीपक बनकर, जैसे दीपक अंधेरे को ख़त्म कर देता है, ऐसे ही हमें भी दीपक बनकर दुख को ख़त्म करना चाहिए, दूसरों के दुख को ख़त्म करना चाहिए। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। अब धरती हमें क्या सिखा रही, पृथ्वी कि मनुष्य देखो इसके ऊपर रहते रहते हैं ना, अगर धरती ना हो तो मनुष्य रह पाए धरती पर, नहीं हो ना। तो प्राणी प्राणी की सेवा कर रही है ना, फसलें उगा कर, फसलें होती है धरती, पेड़ पौधे सारे धरती के ऊपर है ना। अगर धरती ना हो, पृथ्वी ना हो, तो इंसान रह पाए, नहीं रह पाएगा ना बच्चों। तो पृथ्वी हमारी कितनी सेवा करती, करती है ना सच्ची सेवा, हमसे कुछ लेती है, नहीं लेती ना। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। जलधारा यानी ये जो नदियों की जो धारा होती है वो आगे से आगे बढ़ती रहती है, इसीलिए हमें भी जीवन में, जीवन के जो रास्ता होता है उस पर आगे ही बढ़ना चाहिए। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। आपने देखा होगा धुआं होता है वो हमेशा ऊपर की तरफ जाता है, नीचे की तरफ तो नहीं जाता ना, तो हमें ऊंचे पर ही चढ़ना सिखाता है। देखा बच्चों, जो प्रकृति होती है इतनी सारी चीज़ों का प्रकृति ने हमारे जो दिया है तो हमें क्या क्या सीख भी देती है, ये बोलती नहीं लेकिन लगातार अपना काम करते रहते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये कविता आपको समझ में आ गई होगी अच्छी सी। आगे करेंगे फिर हम किसके शब्द, आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।